नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ अनुज यादव। भारत में अफगानिस्तान का दूतावास बंद कर दिया गया है। बीते कई दिनों से दूतावास बंद होने की खबरें चल रही थी। इन सब के बीच कई लोगों के मन में सवाल होंगे कि आखिर दूतावास बंद क्यों किया गया और इसके कारण क्या है, इसके बारे में ही बात करेंगे। इसके बारे में बात करें तो अफगानिस्तान दूतावास आज यानी 1 अक्टूबर से बंद हो चुका है। दूतावास बंद होने को लेकर अफगानिस्तान का कहना है कि उसे भारत से सहयोग न मिलने के कारण दूतावास बंद हुआ। अफगानिस्तान ने दूतावास बंद करने की घोषणा शनिवार की रात को ही कर दी थी। अपने इस बयान के बाद अफगानिस्तान दूतावास ने एक बयान में कहा कि उसे इस फैसले के ऐलान पर बहुत अफसोस हो रहा है। बहुत ही दुख और निराशा के साथ नई दिल्ली में अफगानिस्तान दूतावास अपना कामकाज बंद करने के इस फैसले का ऐलान कर रहा है। दूतावास ने मिशन को प्रभावी तरीके से नहीं चला पाने के कुछ कारण अपने बयान में बताए। इस बीच उन्होंने भारत पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसे मेजबान देश से अहम सहयोग की कमी महसूस हो रही है, जिसकी वजह से वो प्रभावी तरीके से अपना काम नहीं कर पा रही है। इसके साथ ही दूतावास ने अफगानिस्तान के हितों को पूरा करने में अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरने की भी बात कही है। दूतावास बंद होने के 3 कारण और भी बताए गए हैं, जिसको लेकर दूतावास की तरफ से कहा गया है कि मेजबान देश भारत की तरफ से इस मुश्किल समय में जो मदद मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। दूतावास के तौर पर अफगानिस्तान के नागरिकों की उम्मीदों पर खरा उतरने में नाकाम रहे, क्योंकि काबुल में वैध सरकार काम नहीं कर रही है और भारत की तरफ से जरूरी मदद नहीं मिली। संसाधनों की कमी के चलते दूतावास के कर्मचारियों की तादाद कम से कम करनी पड़ी, जिससे जरूरी कामकाज चलाने में दिक्कत बढ़ती गई। अफगानिस्तान के राजनयिकों के वीजा के नवीनीकरण में भी दिक्कत आई और इससे कामकाज पर असर पड़ा। इन वजहों से दूतावास बंद कर इसे मेजबान देश के हाथों सौंपे जाने का फैसला किया गया, जिसमें इस बात का खंडन किया गया है कि अफगानिस्तान के राजनयिक दूसरे देशों में शरण लेने की कोशिश कर रहे हैं। दूतावास की तरफ से इसे बंद करने से पहले की सूचना के वेरिफिकेशन की मांग भी की गई, हालांकि दूतावास पर अफगानिस्तान के झंडे को लगाए रखने की मांग की गई है। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि भारत सरकार के साथ दूतावास एक समझौता कर सकता है। इसके साथ ही आगे कहा गया है कि अफगान दूतावास की तरफ से कि फैसला बेहद अफसोसजनक है, लेकिन भारत और अफगानिस्तान के बीच ऐतिहासिक संबंधों और लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को ध्यान में रखते हुए सावधानी पूर्वक विचार विमर्श करने के बाद लिया गया है। बता दें कि भारत में अफगान दूतावास का नेतृत्व राजदूत फरीद मामुनजे ने किया। उनको अफगानिस्तान की पिछली अशरफ गनी सरकार ने नियुक्त किया था। अगस्त 2021 में तालिबान की अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा करने के बाद भी वो अफगान दूत के रूप में काम करते हैं। खबर यही तक थी, इसके साथ आप देखते रहिए पंजाब की।